वैशाली, वैशाली, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। फेल हो गई। उठ जा वैशाली। नशे वाले हम देखे बात करते थे उन लोगों अरे तो की भो नंबर अच्छे नहीं आए होंगे तो। अच्छे नहीं आए तो पढ़ाई करनी पड़े। मैं तो सुना पढ़ाई में फोकस करती, अच्छे नहीं आए तो उठ जाए साली। जब रात दिन पढ़ने में तुरंत उसमें मारा कौन कौन नंबर दे जाम किताब पढ़नी है चाहे तो बताइए क्या किताब पढ़नी है हमको नहीं बता। आई तो बहुत करती थी, अब नहीं आई तो नहीं आई। उसमें क्या है मतलब अगर बच्चा मेहनत ना करे और परसेंटेज ना आए या आ भी जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेहनत करी है बच्चे ने और तब परसेंट कम आए तो तब थोड़ा बुरा लगता है ना मम्मी। वैसे मेरे को नहीं लगा था। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है, जिसकी जिस किस्मत में जो होगा वही होना है। ये मम्मी भी ठीक बोल रही है। मतलब परसेंटेज तो मायने रखता है, ऐसा भी नहीं रखता है, रखता है लेकिन उतना उतना भी नहीं कि यार एक परसेंटेज से तुम मतलब पूरा अपना जीवन ही डिक्लेयर कर दो कि अच्छा अब ऐसा नहीं हो सकता है मेरे से करके। ऐसा कुछ नहीं है, करने वाला 40-50% ला के भी कर देता है अच्छा काम, है ना। को मेहनत करनी है और क्या है। बस ये है, किसी अच्छे फील्ड में तुम्हें जाना है तो वहाँ के लिए तुम्हें और अलग पढ़ाई करनी पड़ती है, अलग एग्ज़ाम तुम्हें देने पड़ते हैं, है ना। पढ़ाई की ओर ध्यान दो और काम तो करते नहीं हो, हम कराते नहीं है तुमसे वैसे भी। बिल्कुल। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और क्या बोल सकते हैं इससे ज्यादा, हाँ। हम और तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारे साथ भी है। और पता है दोस्तों, मम्मी और पापा ने आज तक कभी भी हमें इस चीज का टारगेट नहीं किया कि तुम्हें इतने परसेंट लाने हैं, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें 90% लाने हैं। कभी हमसे पढ़ाई के लिए भी नहीं बोला होगा, जैसे बोलते हैं ना माँ बाप कि पढ़ो पढ़ो ट्यूशन जा ये कर वो कर, कुछ नहीं। जो किया है सिर्फ अपने मन से किया है, ठीक है। मतलब बोलते हैं, बोलने के लिए कभी कभार बोलती भी, पढ़ ले करके, लेकिन इतना नहीं कि टारगेट नहीं कर रखा कि तेरे को 90% ही लाने हैं या तुझे फर्स्ट ही आना है, ऐसा कुछ नहीं। करो अपने मन से करो, लेकिन अच्छा काम करो, ठीक है। और किसी चीज में अपनी जड़ मजबूत बनाओ, उस चीज में अपनी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, बस सिर्फ ये बोला है। अपने मन का काम मत करो और जो माँ बाप कहते हैं वो करो, वो करो। एक ही पढ़ाई वो नहीं होती है, मायने नहीं रखती है। बिल्कुल। सब कुछ भी करना पड़ता है और चीजें भी देखनी पड़ती है। हाँ वो भी है, देखनी पड़ती है। अब पौन मन अंतिम फल है, और चीजन में भन्नव है, वो भी तो बेकार ही हुआ फिर। वो भी बेकार ही हुआ। मतलब सारी चीजों का अनुभव होना चाहिए थोड़ा थोड़ा ना। हाँ पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे कि ये कम आए ये आए वो आए। पापा को बता दे रिजल्ट। पापा ने क्या बोला? कोई बात नहीं, पापा ने सीधा यही बोला कि परसेंटेज ही तो है, बढ़िया है। हमें किसी से कंपेयर थोड़ी करना है। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि मम्मी पापा किसी और के बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं। हम किसी को नहीं करते हैं। देखो वही 19 नहीं दिलाई, हमारे 19 ने लिया। उसके इतने होशियार हैं, उसके ऐसे हैं, ऐसा क्यों करना है? क्यों करना है, वो आप अकॉर्डिंग है ना यार। किसी का बच्चा कम ला रहा है, किसी का ज्यादा ला रहा है, अब सभी के एक जैसे लाने लग गए तो कैसे चलेगी। अब सभी के सभी वहाँ क्या बोलते हैं, सब सबके बच्चे फौज में चले जाएंगे तो वहाँ और काम कौन करेगा? और काम कौन करेगा? अपने अपनी जगह पर सबका होता है, सबका होता है। हाँ फौज का तो मम्मी ने अभी एग्जांपल ये दिया था कि आजकल यहाँ पर पहाड़ में फौजी फौजी फौज, सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अगर बरले तो क्या करेंगे, शादी नहीं होगी क्या उनकी? नहीं होगी, वही है ना, फिर नहीं हो रही है उनके हिसाब से, मिली जाती है उनको भी। हाँ ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होती है, फिर हो जाती है बाद में, नहीं मिलता है तो फिर तो होगी। मतलब ये है कि उसका बच्चा ये हो गया, तुम भी ऐसी बनो, ऐसा क्यों बोलना है, जिसकी किस्मत में जो होगा वही वही बनेगा, वही बनेगा। बिल्कुल, जबरदस्ती फोर्स करके कोई कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है। और बन भी गया जब उसकी उसमें वो रुचि नहीं है तो क्या फायदा, वो तो जबरदस्ती ये काम हो गई फिर, वही है ना। चलो हम बोलते हैं कि जो करना है करो, अच्छा करो, अच्छा करो। बिल्कुल, तो इस चीज में तो मैं मानता हूँ दोस्तों कि तुम पढ़ो बस, उसका बच्चा वहां चला गया तुम भी चले जाओ वही। हाँ अब इसका जीता जागता उदाहरण मैं ही हूँ एक,
अब मेरे गांव में देखो, मेरे जैसा कोई लड़का है यहाँ पर मेरी एज का? नहीं होगा। सबने यहाँ तो पढ़ने के लिए बाहर भेज रखा है या कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन मैं घर पर ही हूँ। मैं घर पर लटक की कब है का मम्मी पवान तू ना नौकरी कर यार पावने लग रही है, पर चल लो ठीक चल लो। जब नाना पावनी नाना खानो तू ऐसे इमोशनल होके क्या करेगी? ऐसे बैठ बैठ के तो नंबर अब बढ़ेंगे नहीं। जो है वो है, जो है वो है। फिर और ठीक है, इंसान ऐसा फेल होने के बाद भी नहीं करता। पहाड़ में तो ऐसे कुछ यहाँ सुविधा भी नहीं ठहरी, फिर भी स्कूल में गए टीचरों की वजह से पढ़ा लिखा। बिल्कुल, वहाँ तो ट्यूशन जाते हैं, कोई कहाँ कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है पढ़ने के लिए, दिन भर पढ़ने में रहते हैं। यहाँ जो पढ़ते हैं अपने मन से पढ़ते हैं। अब कोई घर में बताने वाला है नहीं। बिल्कुल, जो भी बताया टीचर लोगों ने बताया स्कूल में, जितने भी आए बहुत आए। और ठीक है यार, मतलब बढ़िया है वैसे देखा जाए तो ना, मैं क्या बोलूँ मतलब। और ठीक है मम्मी, मतलब ऐसा भी थोड़ी है कि कोई गंदे मार्क्स ला रखी है, बढ़िया है। आप जितना वो टारगेट था उतना नहीं हिट हो पाया तो क्या हो गया? ले जा हिट फिर हम उनका नक लागन चाहिए। और एक तो ये भी है ना, तेरे परसेंटेज कम आए ज्यादा है, हम तेरे को जितना अच्छा मानेंगे उतना ही मानेंगे। ठीक है, ये बात तू भी बैठा ले दिमाग में। मम्मी तेरे को जितना अच्छा वैसे मानती है वो मानेगी ही मानेगी। ये परसेंटेज की वजह से थोड़ी मानता है कोई अच्छा। हाँ, और मम्मी तेरे को और मेरे को मम्मी की आदत पता है दोस्तों, मम्मी हमको परसेंटेज से कभी कंपेयर नहीं करेगी ना अच्छा मानेगी। अच्छा मानेगी तब जब हम मम्मी का कहना मानेंगे। ठीक है, मम्मी के करी हुई बातों में हम चलेंगे। और यहाँ अपनी खुद की भी हम कुछ चीजें करते हैं, अगर वो भी अच्छा करेंगे तब मम्मी हमें अच्छा मानेगी। इन परसेंटेजों से मम्मी हमें अच्छा नहीं मानेगी ना पापा। पापा का भी सेम है, नियम कानून दोनों के सेम है मेरे मम्मी पापा के। चलो तभी तो फिर ये चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगा दोस्तों कि मेरे माँ बाप काफी सपोर्टिव है। ठीक है, नहीं तो एक देखो अभी जिस टाइप की मेरी भी उम्र थी मम्मी, कुछ मैं भी और करता ना, कॉलेज कर रहा होता, कहीं बाहर होता, लेकिन घर में रह के ब्लॉग बना रहा हूँ। क्यों? सपोर्ट है तुम्हारा। कॉलेज की किताबें भी सारी पढ़ी है तेरी, घर में लेके आए थे कॉलेज, नहीं पढ़ा तो हम क्या करते। कॉलेज की किताबें भी मेरे पास अभी है दोस्तों, अभी पढ़ूंगा मामू ने एक आध साल में। कॉलेज की किताबें लाया हूँ मैं। ऐसा की मान रहे हम लोग फोड़बे के बूटे पहले पढ़ देने के। आगे फोन है हीरा भात खाओ। हाय, अब खाना ना खाई बात मन जी ने मैं ले ना खा रहा है यार, जय चक्कर में ना खा रहे हो मैं ले। तो क्यों ना पा वीडियो खाओ, खाना खा लियो, फर्स्ट क्लास झोली भात टपकी बना रही थी, सोचा था गबा गब खाऊंगा करके, आप बैठेगी नहीं। अब खाने वाले भी आवश्यक है राम, मतलब हो गया। चलिए आप तो पे। फिर भी अच्छे परसेंट है मम्मी, 70 की लाइन में भी बढ़िया है वो तो। 70s कम होता है क्या? और एक बात और बता दो दोस्तों, इसकी इंग्लिश मेरे से इतनी अच्छी है ना, इतना अच्छा इंग्लिश बोलती है, उस चीज में तो इसको मानना पड़ेगा वैसे। ठीक है, उस चीज में मैं भी इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगा। और इंग्लिश में इसके 84 मार्क्स आए। ठीक है, एक सब्जेक्ट के मार्क्स आपको बताना चाहूंगा मैं, इंग्लिश में 84 नंबर है इसके, और बढ़िया है। ठीक है, मतलब अच्छा कर रखा है इसने इंग्लिश का, तो अच्छा है, बढ़िया है। बाकी थोड़ा मैथ में कम है इसके, थोड़े से मैथ में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कुछ सब्जेक्ट कमजोर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में अच्छी भी है ना, जैसे इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इसकी जितनी इंग्लिश मेरे को नहीं आती, सच में बोलनी नहीं आती मेरे को, उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलनी आती। मतलब फ्लो में ना एकदम से ऐसा लगता है कि अरे जैसे अंग्रेज का ही बच्चा हुआ करके, वैसी इंग्लिश इसको आती है। मेरे को 10 बार सोचना पड़ता है, यहाँ कैन लगाना है, यहाँ वॉज लगाना है, यहाँ इज लगाना है, यहाँ बॉजू लगाना है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, लेकिन ये बोल लेती है ना। तो इस चीज में आई अप्रिसिएट, अपने आप को कभी कम मत समझो। ठीक है, आ जा, अब भात खाते हैं और झोली खाते हैं, टपकी भी बना रखी है, आ जा। हिटने हिट यार, झोली बात और टपकी गब्बा चलने यार। आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, मेरा रिजल्ट आया है
और मैं कुछ कह नहीं सकती, धड़कता है ये दिल लेकिन जोई भाटव की खाने का मन भी करती। आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। और देखो दोस्तों, मतलब मेरा मानना तो ऐसा है ना, परसेंटेज कभी भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, अभी आज बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आए होंगे, बहुत सारे बच्चे खुश भी हो रहे होंगे अपने रिजल्ट को देख के, और बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट भी हो गए होंगे कहीं ना कहीं, है ना, कि यार मेरा रिजल्ट ऐसा आ गया, अब आगे को फ्यूचर में क्या करूंगा मैं। और खासकर तो 12th के बच्चे, ठीक है, 10th वाले बच्चों के कभी कम मार्क्स भी आते तो सोचते हैं कि चलो आगे को और प्रोग्रेस करेंगे और अच्छा काम करेंगे, लेकिन 12th में किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो पता है बहुत दुख भी होता है, डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा अंदर से कि क्या होगा, क्या करेंगे आगे को, परसेंटेज नहीं आई, है ना। तो परसेंटेज से, वैसे मेरे हिसाब से परसेंटेज तो मायने है, ठीक है, ये भी नहीं बोलूंगा मायने नहीं रखता है, रखता है, लेकिन अब परसेंटेज से ये नहीं है ना कि अगर किसी की परसेंटेज कम आई है तो ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, ये तो निकम्मा है, कुछ नहीं कर पाएगा, कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। करने वालों के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, ठीक है, अभी के टाइम में आप देख रहे होंगे कई सारे लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, पैशन को फॉलो करके भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी आप मेरे को ही देखो, 12th पास करने के बाद मैं कंटिन्यू ब्लॉग ही बना रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं अपने पैशन को ही फॉलो कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा हूँ, और वो भी क्यों, क्योंकि मेरे को सपोर्ट मिला है अपने घर वालों की तरफ से। यार मेरे मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं बोला कि तू ऐसा कर तू वैसा कर, मतलब ये बोला है कि तू कर अपनी तरफ से बस अच्छा कर, उस काम में अपना 100% डाल, ठीक है, बाकी होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अपनी तरफ से करने की कोशिश होनी चाहिए 100%, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, बस अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने आज के इस ब्लॉग के माध्यम से मैं उन बच्चों को भी ये बोलना चाहूंगा ना, जो अभी मेरे भाई बहन जो भी आज जिनका भी 10th या 12th का रिजल्ट आ रखा है, तो प्लीज उसको देख के डिमोटिवेट मत होना, ठीक है, उसको देखकर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। करने वाले 50% 40% वाला भी बहुत आगे बढ़ जाता है। बाकी एक बार मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई बोलना चाहूंगा जो 10th 12th में पास हो गए हैं, जितने भी लोग मेरे को अभी देख रहे हैं 10th के बोर्ड वाले बच्चे या 12th के बोर्ड वाले बच्चे, सभी को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। आज से 2 साल पहले मैं भी बोर्ड वाला ही था, ठीक है, अभी तो मैं बच्चा बोल रहा हूँ तुम्हें, वैसे मैं भी बच्चा ही हूँ, ठीक है, 2 साल मेरे को भी 12th पास करे हुए हो रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। बस यही बोलूंगा कि आप भी अपने फ्यूचर में अच्छा काम करो, और हमेशा मतलब देखो, मार्क्स भी डिपेंड करता है, मार्क्स भी अच्छी बात है लाना, लेकिन उससे भी बढ़कर है कि अच्छा अपने जीवन में अच्छा काम करो, अच्छी सोच भी रखो, ठीक है, वो भी कई कई मायने, उससे भी ज़्यादा मायने वो भी रखता है, क्योंकि हर चीज़ नंबर भी नहीं होता है, ठीक है। अब नंबर आ गए, आने के लिए बहुत नंबर आ गए, लेकिन हमारी सोच अच्छी नहीं है, हमारे विचार अच्छे नहीं है, हमारे कर्म अच्छे नहीं है, तो उन नंबरों का भी शायद कुछ फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले खुद को भी अच्छा करो, ये रोने वाली बात नहीं है, ये बहुत रोने वाली बात है, ये बहुत रोने वाली बात है, हंसी हंसी, ये रोने वाली बात नहीं है बेटे, ये बहुत ज्यादा रोने वाली बात है आज। और ये सोचने वाली बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा गहराई से सोचने वाली बात है, आखिर क्यों क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ, थिंक अबाउट इट, थिंक। ये डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने वाली बात है, बहुत ज्यादा, समझ रही है। ये गु खाने वाले काम मैंने नहीं किए, तूने किए, तूने भाई जो 70% क्या बातों बातों में रिजल्ट भी आउट हो गया है। वैशाली का जो रिजल्ट आया है वो 70 की लाइन में आया है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन ये होने के बाद भी वैशाली अभी ऐसे है,
देखो ये ज्यादा आते ये मतलब इसका टारगेट ज्यादा था ना, नाइन की लाइन में था उतना आएगा करके। अब नहीं आया तो क्या करना है, मेहनत तो की है, मेहनत करी थी लेकिन यार बहुत ज्यादा मेहनत तो करी थी, पढ़ाई तो बहुत करती थी, अब नहीं आए तो नहीं आए, उसमें क्या है। तो अभी फिलहाल दोस्तों शाम के 5:30 बज गए हैं और बाकी आज खाने में है दोस्तों चावल झोली भात टपकी चावल झोली भात टपकी है ना, तो अब खा लेते हैं दोस्तों ठीक है खा लेते हैं, मैं चली जल्दी अंदर से लिया, चलो अब मैं भी खाता हूँ ठीक है, शाम के 5:30 बजे खा रहा हूँ आज मैं, देख रहे हो ये, चलो जो भी है अब खा ही लेते हैं फिर ठीक है।